वगैरह भी, और मतलब हम लाइफ भी हम लोग का वाटर से ही होता है, तो मैं मतलब जैसे ही हम लोग सेफ वाटर करेंगे वैसे ही हम लोग का ज़िंदगी भी उसी से जुड़ा है, तो हम लोग उसको भी सेव कर सकते हैं। सेफ ट्री मतलब इन्वायरमेंट को साफ रख सकते हैं, और तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि सेफ ट्री जैसे ही होगा हम लोग का इन्वायरमेंट वैसे ही साफ़ हो जाएगा। जैसे अभी कोरोना का वैसे सीजन चल रहा है, तो वो भी हमारे इन्वायरमेंट में है, तो उस वो भी हमारे इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहा है, तो उसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि मतलब इन्वायरमेंट अगर हमारा थोड़ा साफ़ रहेगा, थोड़ा पेड़ वगैरह डिफॉरेस्टेशन कम होगा, तो वैसा हम लोग उसे सेव कर सकते हैं। मैम हमने इसको एक जो इन्वायरमेंट के एक मदर है उनको प्रेजेंट किए हैं, एक ऐसे ये वाला चाहिए क्योंकि बहुत ही ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है, और ये वाटर है जो कि वाटर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, और इसके कारण वाटर मैमल्स जो हैं वो भी उनकी लाइफ एक्सटेंड होते जा रही है। तो ये मदर अर्थ है जो वाटर बचा रही है, वाटर इन्वायरमेंट जो है पानी का, और ये जो ब्लू तो दिख नहीं रहा था, ब्लू ब्लू लाइट, यस मैम, दिस इज़ अ मदर अर्थ, उनका हाथ है और वो बचा रही हैं पानी को, ये कह रही हैं पानी वेस्ट ना करना है और जो पानी गंदा किया जा रहा है। तो मतलब एक एस्पेक्ट आप दिखा रहे हैं वाटर वाटर, एंड यहाँ पे ट्रीज, जो ट्रीज कट की जा रही है, ट्रीज सारे एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है, तो वही मदर अर्थ कह रही है कि वो तभी हैं जब ट्रीज रहेंगे, वाटर रहेंगे, तभी वो मदर अर्थ भी हैं और ग्रीन ट्री रहेगा, लाइफ रहेंगे तभी। River without treatment, and that is that affects the aquatic life we know, and this is air pollution through chimney. I have shown it, it is the main cause of air pollution, and this sound pollution through vehicles, and I have cut it in order because in order to protect the ecosystems, first of all reduce pollution during plantations, we can save the climate. Does she have a mask? Yes. Mask? She's a girl, yes sir. Dream plantation. And their air volume. So, the oxygen ki kami ho jayegi. बंजर हो जाएगी जमीन, ब्लैक शो कर रहा है इसको, मतलब डिफॉरेस्टेशन जी, डिफॉरेस्टेशन जी, और वो ऊपर के जो बनाया है थोड़ा सा पर्पल वाला, और एक हम लोग को वाटर को भी सो किए कि सेव वाटर और एनवायरनमेंट, वो भी इधर उधर जब चाहिए रहता है, और ये इट डजंट हार्म आवर एनवायरनमेंट। मैम ये एक बेटर लाइफ बचाओगे, और उन्हें बिल्कुल हर छोटे से दिक्कत नहीं है, उसको खर्च करिए, वापस दीजिए, पेड़ काटिए लेकिन पट्टी लगा भी दीजिए, वो बात है ना, रोड कैसे बनाएंगे पेड़ नहीं काटेंगे, तो उसको मैंने वहाँ पे किया है, और उससे रिप्रेजेंट करते हुए मैंने यहाँ पे मास्क सबको लगाने के लिए सर। लेकिन आपने यहाँ पर एक भी मिस्टेक किया है, इसको बता दीजिए क्या इन दिस हैंड, एज वी सी दैट दीज आर द COVID-19 वायरस, एंड एट लास्ट वी ट्राई टू फिनिश इट विद सम डेकोरेशन, सो मैम वी ट्राई टू शो दैट थीम क्या है, मतलब द थीम ऑफ योर प्रेजेंटेशन, थीम क्या है, थीम आपका है एनवायरनमेंट है ना, क्या मतलब इन्वायरमेंट बचाना है, इन्वायरमेंट कैसे बचाना है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो सब कुछ तो दिखा रहे हैं मैम, कंप्यूटर्स कहते हैं लाइन है ना, वो कोटिसाइड ही कहा जाता है, नहीं वैसे जैसे हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं ना, उसी तरह वो मास जुड़े हुए, जैसे मास जुड़े हुए उससे हम लोग प्रकृति से जुड़े हैं, अगर उसके हम लोग केयर नहीं कर सकते माँ का, तो फिर वही बात है, हम लोग प्रकृति का भी केयर नहीं कर, अगर उसको डिस्ट्रॉय करें तो हम लोग भी डिस्ट्रॉय होगी। फॉरेस्टेशन कवर आवर अर्थ थ्रू द ग्रीनरी बिकॉज आवर अर्थ इज ड्राइंग, द सेंट्रल पार्ट इज डिफाइनिंग द ड्राइंग अर्थ, दिस नीड्स टू बी फिल्ड एंड एनवेलप through the greenery of the earth, that's the simple. We present our earth
एंड ड्रेड इज अ टैप विच इज गिविंग वाटर टू अ सैपलिंग. सैपलिंग हियर वी आर बिकमिंग अगेन सेल्फिश विद प्लांट्स एंड डिस्कसिंग अबाउट द बायोटिक फैक्टर. बट दैट रेड थिंग विच इज इनसर्टिंग द सैपलिंग इज द एक बायोटिक थिंग विच ऑल्सो मीन्स दैट इवन द प्लांट और बायोटिक फैक्टर्स आर विद एबायोटिक फैक्टर्स. लाइक एक डिपेंडेंस हो जाता है दोनों का. जो की सैपलिंग है उसका एबायोटिक फैक्टर क्या है? मैम सॉइल डायरेक्टली डिपेंडेंट है सॉइल पे. मैम विदाउट लाल से दिखाए हैं मैम. यस सर वी कैन से. बट सर यस सर आई वुड लाइक टू से सर मिलर का भी एक एक्सपेरिमेंट था जिन्होंने उसमें बताया कि सारी ऑर्गेनिक चीज़ें जो मिलकर ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो इन ऑर्गेनिक चीज़ों से ही बनी है. चार ऑर्गेनिक चीज़ों से तो उसमें उस बेसिस से देखा जाए तो उनको ऑर्गेनिक चीज़ नहीं बोला जाएगा सर. वो इनऑर्गेनिक ही रहेगा. वो ठीक है, वो सही है. एंड अबाउट द फ्लावर जो वेस्ट हो गया तो मैम वो एक रिप्रेजेंटेशन था बायोटिक और हमें ही सेव करेगा चीज़ हमारी लाइफ के लिए. Thank you.